शुरू में आर्मी की भर्ती ट्राई की, दो बार सिलेक्ट हो गया था, एक छोटे जी एक छोटे से डॉक्टरी काम में छोटा सा दाग था उसके कारण है। फिर उसने कहा कि अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, मैं क्या जाऊँगा, मैं फॉरन नहीं जाऊँगा। और उसने वीजा अप्लाई कर दिया और वो भी गया, बोलो गया होगा, वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर उसके कारण उसका मन और ज़्यादा खराब हो गया और फिर उसने चर्च आना छोड़ दिया। जब वीजा अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया, तो अब चर्च आना छोड़ दिया। पर इस बहन का अपने बच्चे के प्रति मन नहीं खराब हुआ, ना अपने बच्चे को लेकर के ऐसा कर रहा है, ना परमेश्वर को लेकर कि मैं हम तो इतना विश्वास कर रहे हैं, इतना उसके साथ चल रहे हैं, तो क्या फायदा, ब्लेसिंग कैसे मिलती है, बड़ी आशीषें कैसे मिलती हैं जब हम बड़ा प्राइस पे करते, बड़ा मूल्य अदा करते। इस बहन ने अपने बच्चे के लिए बड़ा प्राइस परमेश्वर को पे किया, बड़ा मूल्य पे किया। इसके बेटे की जो वीजे की प्रॉब्लम है, यस परमेश्वर उसे दूर कर चुका है। हालेलुया। इस बहन का नाम किरण है और जयचंडी गांव के रहने वाले हैं और इनके बेटे की गवाही है और जो बता रहे हैं कि इनके बेटे की बहुत चाहत थी कि उसे जॉब मिले। जब बता रहे हैं कि सबसे पहले इनके बेटे ने आर्मी की भर्ती देखी थी और जब इसने देखी तो उस समय जब बता रहे हैं कि जो सिलेक्ट तो हो गया था, पर जो जब उसकी डॉक्टरी की गई तो उसके कान की कोई प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण फिर इन्हें जॉब नहीं मिल पाई। फिर जब बता रहे कि दूसरी बार फिर से इन्हें आर्मी की भर्ती देखी तो उस समय लॉकडाउन की प्रॉब्लम के कारण फिर जे भाई सिलेक्ट नहीं हो पाए, तो जिसके कारण जे भाई काफ़ी परेशान हो चुके थे। फिर इनका मन था कि अभी मैं कोई जॉब नहीं, मैं अभी फॉरेन कंट्री में जाऊंगा। और जैसे इनकी मन की चाहत थी और जब बता रहे हैं कि जे सिस्टर कि लगातार जी इसके लिए विश्वास कर रहे थे कि परमेश्वर आप इसके लिए अपने मार्ग को खोल चुके हो, जो भी इसकी चाहत है जिस भी कंट्री में जाने के लिए। तो जो ब्रदर भी विश्वास करते थे, लगातार जो चर्च आ रहे थे, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। और जो बता रहे कि फिर जब इसने पहली बार अपना वीज़ा अप्लाई किया तो जो बता रहे कि उसमें भी कोई रुकावट आ गई जिसके कारण इनका 2 लाख रुपया था जो कि जिसके कारण जो इसका वीज़ा लगा था वो रिजेक्ट हो गया। उसके कारण भी जो भाई बहुत परेशान हो चुके थे और जो इनके मदर हैं, फिर इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की तो जैसे ही खुदा के दास ने इनको उत्साहित किया, टीच किया कि जो आपके पैसे हैं वो परमेश्वर जानते हैं, वो एक समय में तो नहीं मिले, पर जैसे इनको टीच किया तो जो बता रहे हैं कि थोड़े थोड़े कर जो 2 लाख रुपया था इन्हें मिल गया था। और उसके बाद जो जो ब्रदर है इनका जो मन था परमेश्वर के साथ नहीं बन रहा था, जो विश्वास भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जो बार बार अपना काम के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, वीज़ा लगा रहे थे, पर कुछ भी हल नहीं हो रहा था जिसके कारण जे ब्रदर का विश्वास नहीं बना। तो जिसके कारण जे 1 साल तक जे प्रभु से दूर हो गए, जे चर्च भी नहीं आ रहे थे, प्रार्थना नहीं करते थे, पर जो इनके मदर थे वो लगातार संगति को अटेंड करते थे। जब भी जे परमेश्वर के दास के साथ इनके मदर मीटिंग करते तो खुदा के दास इन्हें टीच करते, उत्साहित करते कि परमेश्वर ने आपके बेटे के लिए बहुत बेस्ट रखा है, आपने विश्वास करना, धन्यवाद देना है और आपने कोई भी मीटिंग को मिस नहीं करना, प्रार्थना में बने रहना है। तो जैसे जिस बहन बता रही कि लगातार जी विश्वास करते रहे, प्रार्थना भी करते रहे और इन्होंने बताया कि जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने परफेक्टिक वर्ड दिया कि जब भी प्रभु बोस की मीटिंग होगी तो उस मीटिंग के बाद जो 1 हफ्ते की प्रार्थना है चर्च भवन में तो उसको सबने अटेंड करना है, तो इन्होंने इस वचन को भी पूरा किया। इन्होंने लगातार हर मंथ जब भी प्रभु बोस की मीटिंग में आते थे, जब भी परमेश्वर के दास उस मीटिंग प्रेयर मीटिंग में भी आते थे और जो वचन देते थे उन वचनों को जो लगातार अपने मन में ग्रहण करते, रिसीव करते, उस अनुसार जो प्रार्थना करते थे। और प्लस जो बता रहे कभी भी इन्होंने संडे की मीटिंग को भी मिस नहीं किया, ना इन्होंने वेडनेसडे की मीटिंग को मिस किया था। जो बता रहे कि जब भी परमेश्वर के दास जो जो भी इन्हें सिखाते, टीच करते, जो हर एक बात को बड़े अच्छे मन से, विश्वास से रिसीव करते थे, धन्यवाद कर रहे थे। और जो बता रहे कि जब फिर से इनके बेटे ने
वीजा लगाना था, उस समय फिर इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ फिर मीटिंग की और जैसे फिर खुदा के दास ने इनको टीच किया, उत्साहित किया कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ बेस्ट रखा है और आपने फिर इन्होंने वीजा अप्लाई कर दिया। और जब बता रहे हैं कि फिर जिसके लिए जैसे इनका वीजा तो आ गया पर आगे की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, फिर जब इन्होंने 28 अगस्त की मीटिंग जब अटेंड की तो जब बता रहे कि परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई, क्योंकि उस समय भी इनका बेटा संगति में नहीं आ रहा था पर विश्वास कर रहा था, क्योंकि जब उसने वीजा अप्लाई कर दिया तो कुछ उसका अच्छा मन हो गया था पर संगति में पूरी तरह नहीं आ रहा था। और जैसे ले एंड प्रार्थना हुई, अभी हम उस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। इसके बेटे की जो वीजे की प्रॉब्लम है, यस परमेश्वर, उसे दूर कर चुका है, इस बच्चे के माइंड को बदल चुका है, यस खुदा, इस बच्चे के माइंड को बदल चुका है, उसे दीन बना चुका है, अपनी हजूरी में लेकर आ चुका है, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। और जब बता रहे कि जब 28 अगस्त की मीटिंग को जब इनके लिए ले एंड प्रेयर हुई इस ब्रदर के लिए, तो जब बता रहे उसी दिन शाम को ही इन्हें मैसेज आ गया, अपॉइंटमेंट मिल गई। और जब बता रहे कि कुछ ही दिनों में परमेश्वर ने अपनी महिमा को इनके जीवन में प्रकट किया, जो कि इनके बेटे का मन नहीं करता था संगति में आने के लिए, फिर इसने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू कर दिया, संगति में भी आना शुरू किया, प्रार्थना भी करनी शुरू कर दी और आज परमेश्वर ने इनके बेटे को फॉरेन कंट्री में ब्लेस कर दिया है। तो सच में क्लेसिया, आज जो इनके मन की चाहत इनकी भी और इनके बेटे की थी, आज ये इटली में अपने जॉब कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने बेस्ट जो इसलिए के लिए रखा था आज परमेश्वर ने कर दिया है। इस बड़ी गवाही के लिए जब परमेश्वर परमेश्वर के दास का धन्यवाद करते, हम सब जोर से इस ब्लेसिंग के लिए तारीफ करेंगे। तो सुनो सारे, सुनो, ब्लेसिंग कैसे मिलती है ना, बोलो क्या ब्लेसिंग, बड़ी आशीषें कैसे मिलती हैं, जब हम बड़ा प्राइस पे करते हैं, बड़ा मूल्य अदा करते हैं। इस बहन ने अपने बच्चे के लिए बड़ा प्राइस परमेश्वर को पे किया, बड़ा मूल्य पे किया, बोलो क्या किया। शुरू में आर्मी की भर्ती ट्राई की, दो बार सेलेक्ट हो गया था, एक छोटे से डॉक्टरी कान में छोटा सा दाग था उसके कारण रह गया। उस समय भी उसने मन खराब किया कि मैंने बहुत परमेश्वर पर विश्वास किया पर मेरा काम क्यों नहीं हुआ। फिर से हमने समझाया, बना रहा, बोलो क्या, क्योंकि उस समय उसने उस बात से बड़ा मन खराब किया कि परमेश्वर ने मेरा काम क्यों नहीं किया। सब कुछ ओके हो गया, सब चीजें, दौड़ में, लिखती टेस्ट में, सब चीजों में, और कान में एक छोटा सा दाग था उसके कारण बस हो गया। फिर हमने समझाया और बना रहा, आता रहा। फिर उसने कहा कि अब मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, मैं क्या जाऊँगा, मैं फॉरेन में ही जाऊँगा, और उसने वीजा अप्लाई कर दिया और वो भी क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर उसके कारण उसका मन और ज़्यादा खराब हो गया और फिर उसने चर्च आना छोड़ दिया। जब वीजा अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया, तो अब चर्च आना छोड़ दिया, कोई प्रेयर नहीं, कोई संगति नहीं, कोई कुछ नहीं। पर इस बहन का अपने बच्चे के प्रति मन नहीं खराब हुआ, ना अपने बच्चे को लेकर के ऐसा कर रहा है, ना परमेश्वर को लेकर कि मैं, हम तो इतना विश्वास कर रहे हैं, इतना उसके साथ चल रहे हैं, तो क्या फायदा है। इन्होंने अपना विश्वास, अपना भरोसा नहीं छोड़ा, बोलो क्या है, इन्होंने अपना विश्वास भरोसा नहीं छोड़ा। इसलिए वचन में दाऊद कहता है कि वो सियोन पर्वत के समान है जो टलने का नहीं, जो किस पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि सियोन पर्वत जब से परमेश्वर ने उसे बनाया आज तक वैसा ही है। और वो सियोन पर्वत जिस पर परमेश्वर खुद मूसा को मिलने आए, कहता जिनका विश्वास सियोन पर्वत के जैसा वो टलने का नहीं है, तो इन्होंने वो भरोसा विश्वास रखा और लगातार ये मीटिंग्स संडे और बुधवार की मीटिंग को
इन्होंने कभी मिस नहीं किया, क्योंकि ये एक साल हो गया, एक साल पहले इन्होंने वीजा अप्लाई किया पर वो रिजेक्ट हो गया। बच्चे ने तो छोड़ दिया चर्च आना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ वो रिश्ता, पर इन्होंने नहीं, इन्होंने और ज्यादा, जैसे अब्राहम लिखा निराशा में उसने बढ़कर आशा रखी, सेम इन्होंने वैसे ही किया। देखा अब्राहम ने क्या किया, निराशा में उसने बढ़कर आशा रखी, तो इन्होंने भी वैसे ही किया। हर संडे बुधवार की मीटिंग संडे की, और प्लस जो फरवरी के महीने यहाँ पे प्रेयर शुरू हुई है प्रभु भोज की मीटिंग के बाद एक हफ्ते की प्रार्थना, ये लगातार एक साल से, आज ये 11वां महीना है ना, तो 10 महीने हो गए लगातार उस मीटिंग को ये अटेंड करी, एक भी मीटिंग इन्होंने मिस नहीं की। क्यों जी, माइक दो इन्हें। नहीं पापाई। हाँ? नहीं की, कोई मीटिंग मिस नहीं की, कोई प्रेयर की मीटिंग मिस नहीं की। कितने दिन आते थे उस प्रेयर में? 4 दिन भी आए, 3 दिन भी, दो दिन तो लगातार ही ना। अच्छा, मतलब 2 बार पूरा हफ्ता हफ्ता पूरी अटेंड की। ये देखो, हर मीटिंग कभी 3 बार कभी 4 बार हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन, और 2 हफ्ते लगातार इन्होंने पूरा हफ्ता हफ्ता अटेंड की। अब ये ऐसा प्राइस पे कर रहे हैं, ऐसा मूल्य अदा परमेश्वर को कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर है? अन्यायी परमेश्वर बोलो कि वो काम ना करे और ब्लेस ना करे? इसीलिए वचन में लिखा तुझे धीरज धरना आवश्यक है, जरूरी है। बोलो क्या है? तुझे धीरज धरना, हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है कि छोटा है? कहता है तुझे धीरज धरना, हौसला रखना जरूरी है। वो इन्होंने रखा और बड़ा प्रतिफल पाया। आज बेटा इटली में है, हाँ सेट है, काम मिल गया है। बोलो क्या है? वचन में लिखा परमेश्वर कहता पवित्र शास्त्र रोमियो 10:10-11:12 में ऐसे लिखा ना कि पवित्र शास्त्र कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता वो लज्जावान, वो लज्जित नहीं होगा। ये वचन ये कहता है कि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो उस पर विश्वास करता वो लज्जावान नहीं होगा। तूने विश्वास किया, आज आपके सामने है, क्योंकि प्राइस पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आज सब चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम करे, वो काम करे, मुझे इस देश में लेकर जाए, मुझे बड़ी कोठी दे, बड़ी गाड़ी दे, हाँ मेरा बड़ा बिजनेस हो, हाँ सब चाहते हैं, पर मेहनत करना नहीं चाहते। इसलिए वचन में लिखा मसीह में कही गई मेहनत व्यर्थ है। बोलो व्यर्थ है, व्यर्थ है। मैंने कहा व्यर्थ है। बोलो अपनी पड़ोसी को मेहनत कर, वो तुझे भी देगा। हाँ तुझे भी वो सब आशीष देगा, तुझे भी सब दुखों से वो छुटकारा देगा, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और उस मेहनत का फल आपके सामने है। क्योंकि परमेश्वर के सामने हम एक्सक्यूज बहाने नहीं बना सकते, ओ जी ऐसा ऐसा है। इन्होंने डट के मेहनत की है, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि इन्होंने पहले भी परमेश्वर के बहुत भलाइयों को, बहुत कामों को देखा। क्यों जी? क्योंकि आज तक परमेश्वर ने कितने काम किए थे? धन्यवाद कर दी है रात दिन परमेश्वर का। 54 साल परमेश्वर ने मैं बांह जिदा बांह फड़ के नहीं खड़िया करी दा, इस तरह परमेश्वर ने बांह खड़े फड़ के मेरा पति तो डैथ हो गई, साढ़ा घर भी नहीं बनया। अं सोच दें भी कि मेरे बच्चा ने दसवीं पास ही उदो, तो गुड़िया ने भी 10वीं पास की थी, वड्डी बेटी +2 च ही, तो उस तो बाद साढ़ा घर भी नहीं सर जी हूँ जानते साडे घर, परमेश्वर ने एकदम साडा घर ही बनाता। मेरी बेटी की शादी भी करती, बेटे नू जॉब वड्डे नू आर्मी च देती, तो मेरा इन्हां चीज़ों का परमेश्वर ने विश्वास इन्ना कु वड्डा कीता। मेन मेन सुनो, क्योंकि मेन पॉइंट है कि इनके पति आर्मी में थी, तो इतने साल उन्होंने ड्यूटी की तो ये अपना घर नहीं बना पाए। एक छोटे से कच्चे से कमरे थे जिनमें इन्होंने पूरा अपना जीवन काटा, पूरा शादी से लेकर बच्चे भी जवान हो गए, छोटे से कच्चे कमरे थे, दो
पता ही नहीं पैसा कहाँ से आ रहा और किधर जा रहा, पर जब प्रभु में आया वो तो इस दुनिया से चले गए, पर जब प्रभु में जब आए तो परमेश्वर के लिए कैसे रस्तों को खोला। हाँ, घर बनाया, घर बनाने से पहले तो सबसे पहले परमेश्वर ने इनके बड़े बेटे को आर्मी की जॉब दी, फिर घर बनाया। हाँ, फिर घर में पता नहीं कितनी शीशे, कितने काम किए, और आज छोटा बेटा भी जो सेटल नहीं था उसे भी आज इटली में खुदा ने सेट कर दिया। क्या कर दिया है ये पता क्यों हुआ? जैसे बच्चे में लिखा उसके किसी उपकार को भूलना। कई बार क्या होते हैं, लोग दो काम हुए तीसरा नहीं हो रहा तो वो मन खराब करते हैं, चार हुए पांचवा नहीं हुआ तो मन खराब करते हैं, दस हुए ग्यारहवा नहीं हुआ तो मन खराब करते हैं। पर इन्होंने इसी मिनिस्ट्री से जितने काम परमेश्वर ने यहाँ पे पहले इनके जीवन में किए, ये जानते थे कि यहीं से परमेश्वर ने मुझे पहले इतना ब्लेस किया है तो ये भी परमेश्वर क्या करेगा। इन्होंने, कईयों की बुद्धि क्या होती है ना, तो उन्होंने वैसा नहीं किया जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ शास्त्रियों की, अच्छा मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो पहले काम भूल जाती। पर इन्होंने याद रखा, क्या रखा, याद रखा ना, तो उन्होंने उन कामों को याद रखा कि अगर परमेश्वर इतने काम कर सकता तो ये भी करेगा, और उसी विश्वास से उसी भरोसे से ये बने रहे, मन खराब नहीं किया और ऊपर से मेहनत की, मन खराब नहीं किया ऊपर से ज्यादा मेहनत की। जैसे अब्राहम ने कहा मैं निराशा में भी बढ़कर आशा रखता हूँ, सेम उन्होंने वैसा ही किया। हर संडे बुधवार आज 10 महीने हो गए थे लगातार उस प्रेयर को, कभी 3 दिन 4 दिन, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन आ रहे हैं, और 2 हफ्ते लगातार अटेंड की। अब इतना कोई परमेश्वर के लिए करके उसे दिखाए तो अन्याय नहीं है कि वो काम ना करे, इसलिए रिजल्ट आपके सामने है। खुदा ने इन्हें कितना, इनकी इस घटी को भी जो लाश थी कि हाँ मेरा ये छोटे वाला बेटा भी क्या हो जाए, ये भी काम कर दिया। तारीफ करो छोर से, खुशियां दे नाल भर आया दिल, दोनों हाथों को उठा, खुशियां दे नाल भर आया दिल, खुशियां दे नाल भर आया, मैं किनू किनू दसा, मैनू बरकतां दित्तियां यसू ने, मैं खुशल उछल के